तो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल बीतिक शर्मा। मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। जैसे मैंने आपको कह रहा था कि वीवो Y52 के बारे में, ये मैं नहीं कहूँगा आपको कि ये स्मार्टफोन आपको ख़रीदना सही है या फिर नहीं। मैं डायरेक्टली मैं आपको दावा दूंगा कि ये स्मार्टफोन आपको बिल्कुल भी ख़रीदना नहीं सही है। यहाँ पर देख सकते हो, ये है वीवो Y52 5G वेरियंट। मैंने आखिर क्यों कहा इसको बाय करना नहीं सही, क्योंकि इसका प्राइस के वजह से, इसका प्राइस जो एक्सेप्टेड प्राइस है ना, देखेंगे ना यहाँ पे देख सकते हो कितना लिखा है, खुद ही देख लो, 20,000 रुपीज़। मतलब 20,000 प्राइस हम देंगे, वो भी 4GB के साथ, 4GB के साथ। 4GB वेरिएंट है और इसमें क्या है, 6.5 इंच का एक डिस्प्ले पैनल है, फुल एचडी डिस्प्ले पैनल है। स्क्रीन इसका डेंसिटी की बात करो 395 है, ठीक है। लेकिन रिफ्रेश रेट की बात करो, इसमें सिर्फ 90Hz लगा दिया, 120Hz भी लगा नहीं दिया, ठीक है। मान लो 90Hz तुमने रिफ्रेश रेट लगा दिया, लेकिन इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है, ठीक है। लेकिन इसमें गोरिल्ला ग्लास V6 का प्रोटेक्शन देना सही है ना, लेकिन है इसमें गोरिल्ला ग्लास V5 या 4। किसी किसी में तो वीवो ये स्मार्टफोन का गोरिल्ला ग्लास V4 के बारे में मुझे न्यूज़ मिलता है, लेकिन ये तो श्योर है 4 या तो 5 आएगा, गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आएगा, लेकिन इसमें 6 होना चाहिए था, वो भी श्योर के साथ, एक्सपेक्टेशन नहीं। खैर, आखिर इसमें मेन ताकतवर चीज़ क्या लगाया गया है, डिस्प्ले है 50-50 वाला, अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, 50 में इसमें डिस्प्ले चिपका दिया है, ठीक है। उसके बाद आता है इसका परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस इसने यह दिया है कि MediaTek Dimensity 700। मैंने अभी तक जितने भी मैंने वीडियो बनाया ना, MediaTek Dimensity 700 के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो में बोल चुका हूँ कि MediaTek Dimensity 700 एक 5G चिपसेट है, और इस चिपसेट में 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है, और इसका जो GPU की बात करो ARM Mali G68 है, और इसका CPU है अप टू 2.84 GHz के साथ, और इस इतना क्लॉक स्पीड सही है बॉस, इतना क्लॉक स्पीड के साथ ये स्मार्टफोन में बहुत, इस चिपसेट के साथ बहुत कुछ दे सकते थे, लेकिन वीवो Y52 ने ऐसा नहीं किया। 6GB भी नहीं है, 4GB वेरिएंट का प्राइस 20,000। खैर, उसके बाद आता है इसमें 5000mAh का बैटरी लगाएगा, लेकिन इसमें कौन सा चार्जिंग डे है पता हो, 18W का फास्ट चार्जिंग डे है। क्या है यार, क्या है सब, है क्या चीज़ है। कैमरा की बात करो, कैमरा देख के तो मुझे चक्कर ही आ गया, कैमरा की बात मैं ही करता हूँ कि क्या है क्या है क्या है। ये ले, ट्रिपल कैमरा सेटअप लगाया गया है, 48MP प्लस 2MP प्लस 2MP, और फ्रंट में 8MP कैमरा लगाया है, सिर्फ 8 मेगापिक्सल। तो मेरे इस मोबाइल इसमें भी 13MP कैमरा लगा है, इसमें भी, वो भी 3-4 साल पुराना, इसमें भी कम से कम 13MP कैमरा लगा के दिया है। क्या 8MP, क्या है सब, हैं लोगों को उल्लू बना रहे हो। बस स्मार्टफोन का डिज़ाइन बढ़िया है, वीवो नाम है, और लोगों को ऐसे चिपकाएगा, तो आप भी इस स्मार्टफोन से चिपकना बंद कीजिए, क्योंकि 20,000 के प्राइस में बहुत सारे ऐसे अच्छा स्मार्टफोन है जो आपको बाय करना चाहिए। पहले नंबर पे आता है 4G वेरिएंट है, लेकिन पोको X3 प्रो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। दूसरी बात को Realme 8 5G, ये 5G वेरिएंट है, 6GB ये वेरिएंट है, 6GB वेरिएंट है, इसका प्राइस है एक्सटेंडेड प्राइस लॉन्च होने के बाद पता चलेगा 16,000 रुपीज़ इसका एक्सटेंडेड प्राइस लिखा गया है। मतलब Realme 8 Pro 5G, यहाँ पे देख सकते हो Realme 8 5G, इसमें भी है MediaTek Dimensity 700, लेकिन इसमें ऐसा कंजूसी नहीं किया, लेकिन इसमें भी है 5000mAh का बैटरी, लेकिन इसमें 33W का फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी दिया है। मतलब Realme वालों ने स्मार्टफोन को बहुत अच्छे से कस्टमाइज करता है, तो वीवो ने के साथ ऐसा क्यों नहीं। तो जितने भी मेरे पास अभी वीवो लवर्स देख रहे हो ना, इतना तक वीवो को देखने के लिए, झेलने के लिए शुक्रिया, लेकिन भाई एक बात तो है, पैसे की बात तो है, पैसा आपको बर्बादी नहीं करना चाहिए। जितना भी मैं बोलूँ, स्मार्टफोन ठीक है, इसमें जो चिपसेट लगा है वो भी ठीक है, लेकिन इस चिपसेट को बहुत कुछ ये झेल सकता था, लेकिन इसमें घुसा है नहीं। वीवो का जो कस्टमाइजेशन है ना, स्मार्टफोन को कस्टमाइजेशन बनाने के लिए, वो सालों ने नहीं बनाया है। खैर, वीवो बोले सारे मेरे से नाराज़ हो जाएंगे, नाराज़ हो तो होने दो, जाए तो जाने दो, लेकिन हमारे प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को सही न्यूज़, सही इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए।
बस ऐसे ही मोबाइल को चमक, बाहर से चमक देख के मोबाइल को बिल्कुल भी खरीदना नहीं सही। और एक ज़रूरी बात जी, जो जिस अगर आप स्मार्टफोन खरीदने जाते हो ना, एक बात ज़रूर हमेशा याद रखना कि सिर्फ बॉयज़ वाला दुकान पे जाओ, बढ़िया लगेगा, बढ़िया लगेगा, बॉयज़ वाला दुकान में जाओ। लेडीज़ अगर किसी दुकान में देख रहे हो कि इस दुकान में लेडीज़ सेलर में ने, दूर से दुम दबा के भागो और उस दिन मोबाइल लो ही मत। ये बहुत मेन ज्ञान दे रहा हूँ, फ्री में समझ लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी आज के लिए पर होगा नाम, जय श्री राम।